एसपी मंडी कुलदीप चंद शर्मा ने कहा कि वर्ष 2019 में एनडीपीएस के मामलों में जिला में 25% बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में 20 से 25% कमी आई है, जिसकी वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड, मोबाइल सुनना और ओवरलोडिंग पर पुलिस की सख्त कार्रवाई करना रहा है। एएसपी मंडी गुरुदेव चंद शर्मा ने कहा कि वर्ष 2019 में एनडीपीएस के मामलों में जिला में 25% बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में 20 से 25% कमी आई है, जिसकी वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड, मोबाइल सुनना और ओवरलोडिंग पर पुलिस की सख्त कार्रवाई करना रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्रंक एंड ड्राइव के 2000 चालान काटे गए हैं। एएसपी ने गोहर थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि चौल चौक पर 8 से 2 और शाम 7 बजे तक यातायात पुलिस तैनात रहेगी। उन्होंने सड़क किनारे बेतरतीब वाहनों के चालान करने के निर्देश दिए। एएसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने कहा कि पुलिस जिला की तमाम नशा निवारण समितियों की ओर से अधिक चुस्त दुरुस्त करेगी, ताकि नशे जैसे कृत्यों को जड़ से समाप्त किया जा सके। शर्मा ने गोहर थाना के अंतर्गत हाल ही में दर्ज हुए एक हत्या के मामले को लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गत वर्ष ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार को लेकर एक विशेष मुहिम चलाई थी, जिसमें पुलिस को बहुत कामयाबी हासिल हुई थी। इस बार पुलिस ने समूचे जिले में नशे पर शिकंजा कसने के लिए बीड़ा उठाया है। उन्होंने मंडी जिला के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अधीनस्थ गठित की गई सभी नशा निवारण समितियों को जागरूक करके इस अभियान को कामयाब करें। कहा कि पुलिस ऐसी समितियों में पंचायत प्रतिनिधियों, व्यापार मंडलों, महिला मंडलों, युवक मंडलों, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापकों सहित अन्य स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े लोगों को शामिल करेगी, ताकि सबके सहयोग से समाज में फैल रहे विभिन्न प्रकार के नशे पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने समाज के हर वर्ग से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे पुलिस द्वारा छेड़ी गई इस मुहिम में सहयोग करें। तो हमारा प्रयास है कि हम उनको नशा निवारण केंद्रों में ले जा करके उनके डिएडिक्शन करवाएं। इस दिशा में भी पुलिस काम कर रही है और काफ़ी हद तक हमें उसमें सफलता भी मिली है। दोपहिया वाहन में चाहे वो राइडर है चाहे वो पिलियन राइडर है, दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। वो दिशा निर्देश पहले भी दिए जा चुके हैं और यदि पहले हमने इसके लिए अवेयरनेस ड्राइव भी लॉन्च किया था पूरे जिले में, और अब इस पर जो भी इसकी वायलेशन करता है उनके चलान भी करते हैं। और बड़ी गाड़ियों द्वारा, खासकर बसों और टिप्पर ट्रक्स के द्वारा प्रेशर होल्ड यूज़ करने की ही शिकायतें हमारे पास आ रही है, तो इसमें भी हम स्पेशल ड्राइव चलाएंगे और जो भी इसको इस तरह से प्रेशर होल्ड को यूज़ करेंगे या गाड़ियों में लगाएंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है, छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।